ईशा कोपिकर, मेरी तरफ से मेरे सारे लिसनर्स को गुड़ी पाड़वा के दिन हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी लाइफ में गुड़ी पाड़वा की विशेषता यही है कि पहले तो इट्स गुड़ी पाड़वा, हमारा न्यू ईयर है, और दूसरा मेरे मम्मी पापा की शादी इस दिन हुई थी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरे लिए पति के घर में सेलिब्रेट करने का टाइम ही नहीं मिला, यहाँ आके आपके साथ, आप लोगों के साथ सेलिब्रेट किया, और यहाँ से मैं अपने मम्मी पापा के घर जाऊँगी। तो एक्चुअली माय हस्बैंड इज़ आल्सो अ लिटिल बिजी टुडे, वो हैं भी नहीं घर पे, और पंजाबी फैमिली में गुड़ी पाड़वा क्या है वो उनकी किसी को पता ही नहीं होती, सो आई थिंक आई विल गो एंड सेलिब्रेट इट विद माय पेरेंट्स। मेरी मराठी फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब दो गाने बाकी हैं, और हम लोगों ने अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट की है, डबिंग भी स्टार्ट की है। मेरी फर्स्ट फिल्म थी, डेब्यू थी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में, तो आई एम अ लिटिल नर्वस। नहीं, फॉर मी मे द बेस्ट पर्सन विन, वो कोई भी हो, मैं वर्ल्ड कप ज़रूर देखती हूँ बिकॉज आई एम एन इंडियन एंड आई लव माई कंट्री, लेकिन IPL में क्या होता है, हमारे ही देश के इतने हिस्से होते हैं, सब बट चुके होते हैं, आई डोंट लाइक इट।